बिसमिल्लर्रहीम ड्रॉप शिपिंग के कारोबार का हुक्म ये जी एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ड्रॉप ड्रॉप शिपिंग का कारोबार क्या ड्रॉप शिपिंग हराम है मैं कुछ वक्त से ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ इसमें हम कोई भी प्रोडक्ट की तस्वीर अपने स्टोर पर लगाते हैं जबकि वो प्रोडक्ट हमारे पास नहीं होती जब हमें ऑर्डर आता है तो हम ख़रीदार का एड्रेस कॉपी करके पेस्ट करके इसे दे देते हैं जो इस प्रोडक्ट का असल में बिज़नेस कर रहा होता है यानी जो शख्स बिज़नेस कर रहा है ना, जो जो कंपनी बिजनेस कर रही है आपने क्या किया अपनी शॉप पे या अपनी वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट उसकी लगा दी लोग देख देख के आपसे ख़रीद रहे हैं ये हो रहा है क्या ये हलाल है हराम जबकि जिस कस्टमर ने हमसे वो चीज़ ख़रीदी है अगर इसको पसंद ना आए तो वो अपने पैसे वापस ले सकता है प्रोडक्ट रिप्लेस कर सकता है मोहम्मद अमीस मीरपुर खास से देखें किसी भी मामले का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि उसको पसंद आए तो वो वापस कर सकता है पसंद ना आए तो वापस नहीं कर सकता इस तरह की कोई चीज़ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है हलाल हराम होने से असल जो मसला है ना खूब समझ लें ड्रॉप शिपिंग हो या ऑनलाइन और किसी तरह से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं दो चीज़ें शरीयत में जहन में रखें जब तक कोई चीज़ आपके कब्ज़े में नहीं आई आप आगे उसे फरोख्त नहीं कर सकते ला मा मालई संदक सही हदीस है कि जो चीज़ तुम्हारे पास मौजूद नहीं है आप उसे आगे बेच नहीं सकते जिस चीज़ का जो चीज़ आपके रिस्क और ज़मान में नहीं है वो आप आगे नहीं बेच सकते मिसाल के तौर पर आपने ड्रॉप शिपिंग में ये किया कि आपने अपनी शॉप पे लगा दिया कि जी ये प्रोडक्ट है जो लेना चाहे ऑर्डर आया आपने वो बेच दी ठीक है ना बाय कर दिया आपने हालांकि आपके पास अभी है नहीं अब क्या होता है कि आपने कंपनी को ऑर्डर किया कि डायरेक्ट फ़लाँ शख्स के घर में ये चीज़ पहुँचवा दें वो कंपनी जब शख्स के घर में ये चीज़ पहुँचवाएगी दरमियान में अगर वो चीज़ कंपनी से ज़ाया हो गई तो आपका नुकसान नहीं है इसमें कंपनी का नुकसान है इसका मतलब आपने उस चीज़ का रिस्क लिया ही नहीं है तो इसलिए उसका प्रॉफिट भी आपके लिए हलाल नहीं है तो इसमें दो काम आप करें या तो आप ऐसा करें कि सीधा सीधा जो बेगबार तरीक़ा है वो चीज़ आप अपने कब्ज़े में लें और कब्ज़े में लेके आगे कस्टमर को फ़रो करें और जो आपने इश्तिहार बनाया है ना आम तौर पे लिखा होता है बाय नाओ ये लिखा होता है जो भी वेबसाइट के ज़रिए चीज़ें बेच रहे होते हैं ना तो बाय नाओ बाय नाओ को बजाय आप ये कर दें ऑर्डर नाव यानी इस चीज़ का ऑर्डर करें आप अभी आप उसको बेचें नहीं उसको ख़रीदने का नहीं लारे रहे रपे दें कि ये ख़रीद लो हमसे बल्कि आप उसको कहें कि ऑर्डर आप ऑर्डर करें और हम आपको ये फ़रह करेंगे इसकी मिसाल ऐसे है ना कि जैसे आप मेडिकल स्टोर जाते हैं आप कहते हैं भाई पेनाडॉल चाहिए मुझे वो कहता है भाई पेनाडॉल तो मेरे पास नहीं है आप ऑर्डर करें तो मैं मंगवा दूंगा तो आप उसको ऑर्डर करते हैं वो मंगवा के आपको बेच देता है तो वो अपने कब्ज़े में लेता है मेडिकल स्टोर वाला फिर आपको बेच देता है वो लेकिन अगर आप गए मेडिकल वाले से आपने कहा कि पेनाडोल है वो कहते हैं नहीं है कह रहे है, आप मुझे बेच दें और बेशक आपके पास नहीं है लेकिन मुझे आप बेच दें तो और मेडिकल वाले ने भी कहा कि बेच दी और फिर किसी बंदे के ज़िम्मे लगा दिया इनके घर पहुंचा दो तो ये नाजायज़ हो जाएगा इसलिए कि जब एक चीज़ उसके कब्ज़े में नहीं है उसने बेची कैसे तो बेगुबार तरीक़ा क्या है ड्रॉप शिपिंग का कि आप बाय नाव के बजाय आप ऑर्डर नाव का लफ्ज़ लिखवा दें कि भाई आप ऑर्डर करें वी विल बाय वी विल सेल यू हम आपको वो चीज़ बेचेंगे इस तरह की कोई अनाउंसमेंट आप अपनी वेबसाइट पे या प्रोडक्ट पे लिख दें आप ठीक है ना कि हम आपको ये बेचेंगे आप ऑर्डर करें उसमें फिर आपने क्या करना है एक तरीका तो ये कंपनी से आप ख़ुद अपने कब्ज़े में लें और कब्ज़े में ला के फिर आप दोबारा से एग्रीमेंट करें कस्टमर के साथ कि हाँ भाई ख़रीदते हो कि नहीं ख़रीदते बेशक उसके घर अपने नुमाइंदे को बेच दें भेज दें आप उसको बोलें भाई ये चीज़ें आपने लेनी है नई पसंद आ रही तो वापस कर दो लेनी है तो ले लो तो जैसे ही वो कब्ज़ा करेगा और आपको पेमेंट करेगा तो वो मालिक बन जाएगा उसका तो एक तरीका ये है कि आप अपने क़ब्ज़े में लें एक तरीक़ा ये कि अपने क़ब्ज़े में नहीं अपने किसी वकील के कब्ज़े में दिलवा दें उसको मिसाल के तौर पर आपने ऑर्डर नाव का ये लेबल लगाया सामने कस्टमर ने आपसे कहा ठीक है जी मुझे चाहिए आपने अपना बंदा खुद नहीं गए कंपनी के पास अपना बंदा भेजा कि भाई ये चीज़ वहाँ से उठाओ और फ़लाँ के घर पहुँचा दो तो उसने वहाँ से उठाई और कस्टमर के घर पहुँचा दी तो जब वो उठाएगा ना तो वो आपका वकील है तो वकील का कब्ज़ा आपका कब्ज़ा कहलाता है यानी कंपनी इंतज़ाम ना करे कोई बंदे के इंतख्य का और उसकी ज़िम्मेदारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी की ना हो बल्कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि फ़लाँ से चीज़ उठा के फ़लाँ के घर पहुँचानी है वो वकील आपका होगा तो जब वो पहुंचाएगा तो जब फिर उसके बाद बारगेनिंग होगी भाई ये चीज़ है इतनी कीमत आपने बताई थी तो अब आप ले लें ले, वो नहीं लेना चाहे तो वापस कर दे उसकी मर्जी है यानी आप कब्ज़ा करें या आपकी तरफ से कोई नुमाइंदा कब्ज़ा करे तीसरा तरीका ये हो सकता है जो थोड़ा सा नामुनासिब है लेकिन ये भी मजबूरी में ये भी जायज़ है कि आपने प्रोडक्ट पर लिखवा दिया कि भाई ऑर्डर करें आप ये चीज़ कस्टमर ने ऑर्डर की आपने कस्टमर को एक ऑप्शन दिया वो अनाउंसमेंट पहले से लिख के लगा दिया कि आप ये चीज़ अपने कब्ज़े में लेंगे तो उसके बाद हम दोबारा से ख़रीदो फरोख का एग्रीमेंट करेंगे यानी कस्टमर ने ये चीज़ जो भी प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं वो अपने कब्ज़े में ली आपका नुमाइंदा बन के आप उससे बोलेंगे भाई मेरे नुमाइंदा बन के कंपनी जब तुम्हें एक चीज़ देने के लिए आएगी तुम मेरे तरफ़ से नुमाइंदे बन के उस पर कब्ज़ा कर लेना और तो तुम्हारा कब्ज़ा मेरा कब्ज़ा होगा उसके बाद मैं दोबारा नए सिरे से तुमसे एक माहिदा करूँगा ये थोड़ा पेचीदा है लोगों को कस्टमर को समझ भी नहीं आता ये हो क्या रहा है इसलिए पहले दो तरीक़े ज़्यादा मुनासिब हैं बेखुबार तरीके हैं तो उन पर अमल किया जाए और अगर आपने ये तकल्लुफ़ नहीं करना आप कह रहे हो नहीं भाई मैं ऑर्डर नाव का ऑर्डर नहीं रखवाऊँगा बल्कि बाय मैंने उसको बाय नाव ही कह करना है अभी बेचना है तो फिर मैंने जैसे बताया कि एक चीज़ आपके कब्ज़े में नहीं आई है आप आगे फ़रख नहीं कर सकते अलबत्त कमीशन एजेंट बन सकते हैं आप आप फिर कंपनी को साफ लफ्ज़ों में ये बताएं के कंपनी से कोई लाइसेंस ले लें या कोई भी जो है ना अप्रूवल ले लें कि भाई हम आपकी प्रोडक्ट मार्केट में बेचेंगे तो जितने की बिके सारा प्रॉफिट आपका होगा हमें पर प्रोडक्ट पे ये कमीशन चाहिए हमें एक दफ़ा ख़रीदो फ़रोख पे जो है ना हमें ये कमीशन चाहिए इसकी मिसाल है जैसे दलाली की उजरत होती है वो क्या करता है कि भाई दो कस्टमर को और बायर जो है ना सेलर को आपस में मिला देता है बायर को और सेलर को और दरमियान में अपना एजेंट लेके निकल लेता पतली गली से तो उसमें आप जिम्मेदार नहीं होंगे बल्कि आपने क्या किया कंपनी और कस्टमर का आपस में लिंक करा दिया आपने बोला भाई ये चीज़ मेरी यानी कंपनी को आपने बोला कि भाई आप हमें एक ला... जो है वो कोई लाइसेंस दे दें कि हम आपकी तरफ से कमीशन एजेंट हैं हम हमने आपकी एक ब्रांच खोली हुई है कोई भी जो भी टर्म मार्केट में चल रही है आप इस्तेमाल कर सकते हैं खुलासा उसका ये होगा कि आप कंपनी के वकील होंगे उस चीज़ को बेचने में वकील बिल उजरा और कंपनी की वो चीज़ जब आप कस्टमर को बिकवाएंगे तो आपने अपना एक लगाबंदा कमीशन लेना है उसमें तो ये भी जायज़ है तो इसलिए पहला तरीका इस्तेमाल करें वो बिल्कुल बेखबार है थोड़ा तकल्लुफ़ करना पड़ेगा ताकि लोग हराम से बचें आजकल लोग ऐसा हो रहा है कि ख़रीदो व के मसाइल में शरीयत का ख्याल नहीं कर रहे तो दो पार्टियों के दरमियान कमीशन एजेंट बन के नफ़ा लेना जायज़ है और अगर आप किसी की चीज़ बेचना चाहते हो तो बेचने का वादा कर सकते हो बेच नहीं सकते जब तक कि आप उसको कब्ज़े में ना ले लें तो बेचने का वादा आप कर सकते हैं बेचेंगे जब जब आप पहले कब्ज़ा करें उसके बाद आप बेचें तो बेचने का वादा आपके लिए जायज़ है बेचना जायज़ नहीं है